नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के प्रिय कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब। भाई देश के राजनीतिक हालात बड़े विचित्र हैं। मैंने किसी से पूछा कि देश की राजनीतिक हालात जो है वो बड़े खराब हो चुके हैं, बड़ी गिर गई है हमारी राजनीतिक परिस्थितियां, हमारी स्थितियां बड़ी खराब है, तो ऐसे में तुम क्या टिप्पणी करना चाहोगे। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बताइए देश की राजनीति का चित्र देखते हुए आप अगर ये बताना चाहें कि ऐसे हालात हो गए राजनीति के तो आप क्या कहेंगे। तो उस बच्चे ने बड़ा मासूमियत से एक किस्सा सुनाया। बोले जयललिता जी एक दिन सुबह सुबह अपनी बकरी को लेकर घूम रही थी कि उतने में सामने से लालू जी आ गए और वो देख के दृश्य बोलने लगे, भैंस को लेकर कहाँ जा रही हो। तो जयललिता जी बोली, दिखता नहीं ये बकरी है। बोले तुमसे कौन पूछ रहा है। अब अगर देश की राजनीति में ऐसी स्थिति आ जाए जब ये समझना नामुमकिन हो जाए कि व्यक्ति किस अंदाज में किससे बात कर रहा है, तब कहना पड़ेगा बहुत खूब। और तब सार्थक होती है कविताएं, तब सार्थक होता है व्यंग्य, तंज, वो कहने का अंदाज जो आपके दिलों में उतर जाता है और आप उनको सुनकर बहुत खूब कहते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जो आज की इस महफिल में हमारे साथ होंगे और आप जिनके लिए बेसाख्ता कहेंगे बहुत खूब। तो कौन होंगे हमारे साथ है धौलपुर के वरुण चतुर्वेदी। कैसे हैं आप वरुण जी? बहुत खूब। बढ़िया है, बहुत खूब है, बहुत खूब। चलिए मैं बुलाता हूं आपके एक और साथी। हमारे साथ है मुंबई के कमलेश पांडे। और कमलेश जी वहां बैठिए। चलिए अब आपके पास मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, आप भरतपुर से, आप जौनपुर से, वो कानपुर से, आकांक्षा अग्निहोत्री। आप कानपुर में रहती है आकांक्षा जी, और दो आपके पास अनुभवी लोग हैं, एक इधर भरतपुर है, इधर जौनपुर है, इधर कानपुर है। तो आप तीनों के साथ जो पुर है मैं जानता हूं कि आज आप पुर असर बात करेंगे। आप तीनों के लिए बहुत खूब। तो साथियों आज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त शैलेश नोडा। हमारे साथ वरुण चतुर्वेदी हैं, कमलेश पांडे हैं और आकांक्षा अग्निहोत्री हैं। क्या कहते हैं कमलेश जी, कहां से शुरुआत करें एपिसोड? हमको ही बुला दीजिए सर, शुरू कर देता हूं अपनी विधा से। क्या बात है, आपकी विधा कौन सी है? छंद शुरू कर देता हूँ। छंद से आप शुरू करना चाहते हैं, चलिए आपके लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं, जनता को भी इंतजार करने दीजिए। ठीक है सर। हम चाहते हैं कि मोहब्बत से थोड़ी सी शुरुआत हो, उसके लिए फिर तो और अच्छी बात होगी सर। नहीं बड़ी अच्छी क्यों होगी, मोहब्बत की बात नहीं क्यों होगी बताइए। मोहब्बत और थोड़ा अपनी उम्र का ख्याल कीजिए कमलेश जी, आंखों में मोतियाबंद की उम्र है ये। नहीं सर, हम जन्मजात तरुण हैं। आप जन्मजात तरुण हैं। मेरे नाम में ही तरुण लगा है सर, कमलेश पांडे तरुण। कब तक तरुण रहेंगे आप? अब तो आज से बदल जाना चाहिए था जो मैं दादा। तो चलिए आप जन्मजात तरुण हैं, ये जन्मजात वरुण हैं। हम ना वरुण को बुलाते हैं ना तरुण को बुलाते हैं, हम आपके भीतर छुपी हुई जो प्रेम की आकांक्षा है उसे यहाँ पे स्थापित करने के लिए आकांक्षा अग्निहोत्री को बुलाते हैं। आइए आकांक्षा। अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत स्वागत है। श्याम तेरी ही धुन में बन जाऊं, वाह 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 वाह, सज के होठों पे मैं रहूं हरदम, वाह क्या बात है, नहीं राधा हूँ मैं तेरी नहीं बन पाई मैं तेरी दुल्हन। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तेरे मीरा से मैं तो गुन गाऊं, श्याम तेरी ही धुन में बन जाऊं। बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा। सज के होठों पे मैं रहूं हरदम, वाह वाह, ना ही ग्वालों के संग संग खेलूं, वाह वाह, ना ही गोपी बन के मैं डोलूं, वाह, तेरे चरणों की मैं तो रज पाऊं, वाह वाह वाह, श्याम तेरी
ढूंढे है नजरें ये तुझे हरदम, मन की तृष्णा तुम्ही तो हो हमदम। प्रेम से तेरे मैं तो तर जाऊं, श्याम तेरी ही धुन मैं बन जाऊं। श्याम तेरी ही धुन में बन जाऊं, सच के होठों पे रहूं मैं तेरे हरदम। ये वो प्रेमिका है जो श्याम से बड़ा प्रेम करती है। अब इस तरह का प्रेम तो मेरे ख्याल से रहा नहीं, गीतों में ही बसता है वैसा प्रेम। क्यों वरुण जी, ठीक कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो गीतों में ही बसता है, लेकिन ये छोटे कस्बों में जो प्रेम होता है, अब मुझे नहीं मालूम वो कितना गहरा होता है, लेकिन वो प्रेम के रास्ते खुद बना लेते हैं। उमाश्री जी अपने गजल में कहती हैं, दो शेर उनके मुझे याद आते हैं, वो कहती हैं कि शेर दीवाना हुआ मेरी गजल के पीछे, कल से मिलना मेरी जान ताजमहल के पीछे, खुद बना लेते हैं रास्ते ये मोहब्बत करने वाले, खत लिए और दिए जाते हैं नल के पीछे। जो सार्वजनिक नल मोहल्ले में होता है उसके पीछे जो खत देने देने का काम होता है, मोहब्बत इस किस्म से भी की जा सकती है। लेकिन आप और हमारी मोहब्बत में भी लेने देने का एक रिश्ता है। हम आपको देते हैं कविताएं, आप हमें देते हैं प्यार। हम देते हैं आपको इंतजार करने का एक मौका जब हम ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा वक्त। मैं ब्रेक पे गया, यू आया, फिर कहते हैं बहुत।